तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे पिरामल फार्मा के बारे में। बेसिकली कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था 1715 करोड़ के आसपास, पिछले साल 2131 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2163 करोड़ के आसपास है। तो क्वार्टर क्वार्टर देखें तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 25% के आसपास की तेजी है क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ये एक्सपेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 1887 करोड़ था, पिछले साल 1955 करोड़, इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी के खर्चे 2100 करोड़ के आसपास है। तो थोड़ा सा टेंशन वाली बात यह है कि अगर आप देखेंगे कंपनी का जो एक्सपेंस देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले कंपनी का जो एक्सपेंस है वो इस साल ज़्यादा आपको देखने को मिला है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू मैंने आपको क्या बताया कि 1.5% के आसपास बढ़ा है साल दर साल, लेकिन जब एक्सपेंस के अंदर आते हैं तो एक्सपेंस के अंदर अप्रोक्सीमेटली 7% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिली, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर निगेटिव है कंपनी के लिए। चलिए कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या बन के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी, 90 करोड़ के लॉस में थी, पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट 204 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 50 करोड़ के आसपास है। तो फाइनली एक चीज़ तो अच्छी हुई है कि क्वार्टर क्वार्टर कंपनी घाटे से फिर से मुनाफे में आ चुकी है, लेकिन साल दर साल देखें तो अभी भी कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर 75% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। चलिए EPS क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 76 पैसे माइनस का था, पिछले साल 1.72, अभी देखें तो 0.42 के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के जो नंबर है वो सारा कुछ सही है, लेकिन कंपनी का जो एक्सपेंस है वो इस क्वार्टर में थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिलता है। ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ खराब नंबर तो नहीं है, लेकिन हाँ मिक्स टाइप के नंबर कर सकते हैं, न्यूट्रल टाइप के नंबर कर सकते हैं। शेयर पिछले कई दिनों से देखें तो बढ़ा भी नहीं है, 70 रुपये के लेवल को मतलब पकड़ के बैठा हुआ है, तो मेरे हिसाब से 2-4% ऊपर या 2-4% नीचे ऐसे नंबर है, ज़्यादा कुछ तोड़फोड़ वाले नंबर नहीं है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।